cross 11. ठीक है बच्चों, वी आर स्टूडेंट क्लास 11। देखिए बच्चों, हम जो है ग्रामर पढ़ाने के पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक बातें हैं, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपकी आती है और टेंसेज आते हैं, टेंस होते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि जब आपको ग्रामर पढ़ाई जाए तो उसको आप समझ सकें, वो आपकी समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट आपका ऐसा ना हो जो क्लियर ना हो। तो जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम आपको कुछ ये बताना चाहेंगे जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस है। तो पहले हम टेंस लेते हैं, सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट लेते हैं एक एक करके। पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट के सारे हो जाएंगे, टेंस आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और फिर इसके बाद आपको पास्ट के सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और फ्यूचर के। तो पहले हम सिंपल प्रेजेंट लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में देखिए, सिंपल प्रेजेंट का यूज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इस टेंस के वाक्यों से ये ज्ञात होता है। ये तो आपने अभी तक पढ़ा है कि जिन वाक्यों के अंत में ता रहती है, लेकिन आप उसको इस तरीके से समझिए, इन वाक्य इस टेंस के वाक्यों से ये ज्ञात होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि कार्य उस समय हो रहा हो, एक्शन उस समय हो रहा हो। जैसे मैंने कहा कि वे बाहर मिल गए हमको, कॉलेज के बाहर रोड पर आप लोगों में से कोई मिल गया, हमने कहा बेटा इस समय क्या करते हो, तो आपने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ता हूँ इस समय। तो कोई आप जरूरी नहीं है कि वो कार्य उस समय हो रहा हो, आप पढ़ रहे हो, बात समझे समझे। देयर नो सच सर्टेनिटी दैट एक्शन इज बीइंग डन एट द प्रेजेंट। ठीक है, तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में कैसी कंडीशंस होंगी जब आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। पहली बात तो टू एक्सप्रेस, नंबर वन एक्सप्रेस एडिजुअल, यदि कोई आदत प्रकट की गई है, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। तो एक्सप्रेस हैबिटुअल ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आई टेक टी एवरी डे, इन द मॉर्निंग, आई टेक टी एवरी डे इन द मॉर्निंग। अब ये हमारी इससे आदत का पता चलता है कि सुबह के समय प्रत्येक दिन मैं चाय लेता हूँ, पीता हूँ। ठीक है, तो यदि हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, इसमें आदत प्रकट की गई है, तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Uh-huh.
इंटरेस्ट यदि हमें कोई ऐसी बात कहनी सामान्य सत्य जो बात है सामान्य सत्य है उसे भी हम सिंपल वजह कहते हैं। किसे कहते हैं? सिंपल वजह कहते हैं जनरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा टू एंड टू, टू एंड टू में दो दो चार होते हैं। इस तरह की कोई बात सामान्य सत्य कही गई है तो उसे हम जो है सिंपल प्रेजेंट में ही कहते हैं। एक तो आदत प्रकट की गई है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं, और ये सामान्य सत्य है तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं। तो एक्सप्रेस यूनिवर्सल, यदि यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है तो भी हम जो है इस बात को सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक सत्य तो उसे भी हम जो है सिंपल प्रेजेंट में बिगनिंग विद हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। कहने का सेंस है ऐसे इक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से शुरुआत होती है, प्रारंभ होते हैं और वो उसी समय होने जा रहे होते हैं, यानी वो घटना उसी समय होने जा रही हो और हेयर और देयर से ऐसे वाक्यों की शुरुआत हो इक्लामेटरी सेंटेंसेस की, तो उनका यूज जो है उनको हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए हियर कम्स द बस, ये सेंटेंस इसका अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन क्या हो, हेयर कम्स द बस, बस आ रही है तो ऐसा लग रहा है एकदम से जो है कोई घटना होने जा रही है। एक्लामेटरी सेंटेंस हुआ, कैसा सेंटेंस हुआ? एक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। तो हमने आपको बताया हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस एक्लामेटरी सेंटेंसेस हो और वो रिएक्शन जो है उसी समय होने जा रहा है तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट में ही कहते हैं। किस में कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट में ही कहते हैं। हेयर कम्स द बस, ऐसे वाक्य जो हेयर और देयर से, ऐसे एक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से प्रारंभ हो, शुरुआत हो और वो घटना उसी समय होने जा रही हो तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।